स्वागत है आपका अपने चैनल फूड टेक में। दोस्तों मेरा नाम सुरेंद्र सिंगल है और मुझे 35 इयर्स का पूरा एक्सपीरियंस है मल्टीनेशनल कंपनी का फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी का, जिसमें मैंने फूड बेवरेज एंड डेयरी सब देखी है। दोस्तों मैंने इस दौरान वाटर एनालिसिस से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक पूरा किया है और मैं पूरे अपने कंपनी का जो है वाटर मैनेजमेंट का पूरा इंचार्ज भी रहा हूँ। फ्रेंड्स मैंने जो है अपने 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने जो है वाटर की एनालिसिस से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक अपने मल्टीनेशनल कंपनी का किया है और इसलिए वाटर के बारे में मैं आज जो आपको टॉपिक लाया हूँ वो मेरा टॉपिक है कि हमारे लिए कौन सा पानी पीने के लिए योग्य है। नंबर एक वाटर के सोर्स क्या है, दो हैं। नंबर वन सरफेस, नंबर दो ग्राउंड। सरफेस में क्या है, हमारे रिवर्स आती हैं, सी आता है, हमारे लेक आती हैं, झील आती हैं और पॉन्ड्स आते हैं, ये हमारे सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर में क्या है, 97% वाटर जो है हमारा एल्कलाइन है और जो है पीने योग्य नहीं है। ओनली 3% वाटर ही जो है ड्रिंकिंग वाटर पीने के योग्य है। और ग्राउंड वाटर क्या है, जैसे हम बोरवेल वाटर, समरसिबल से पानी लेते हैं, टेप वाटर से लेते हैं, तो हमारे ये पानी जो है ये ड्रिंकिंग वाटर है। ये इसकी वजह क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल ने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे हैं जो कि IS 10500-2012 के हिसाब से हैं कि हमारे पीएच पानी की 6.5 to 8.5 होगी, टर्बिडिटी 1 होगी, टोटल हार्डनेस एज ए कैल्शियम कार्बोनेट 200 मैक्सिमम 200 होगी और हमारे लिए क्या होगा इकोलाई, मतलब माइक्रोबायोलॉजी जो है इकोलाई जो हार्मफुल है हमारे लिए वो 100 ml वाटर में एब्सेंट। हमें पानी की क्या देखनी है, अपनी प्रॉपर्टी देखनी है कि हमारे पानी में कोई फिजिकल कंटामिनेशन ना हो, केमिकल कंटामिनेशन ना हो। फिजिकल में क्या होता है कि कोई डर्ट, डस्ट, रस्ट या कोई और फॉरेन मैटर ना हो। दूसरा केमिकल कंटामिनेशन क्या है कि हमें फ्लोराइड है, हमारे आर्सेनिक है, लेड है, जो कि हमें हार्मफुल है, सोडियम है, वो नहीं होना चाहिए पानी में, पीने पानी में। नंबर तीसरे माइक्रोआल्गी क्या है कि हमें कोई भी पैथोजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमें जो रोग पैदा करे, क्योंकि तो पानी से हमें क्या होते हैं बहुत सी डिसीजें पैदा होती हैं, जैसे डिसेंट्री है, डायरिया है, कॉलरा है और आपका टाइफाइड है और इवन देन पोलियो तक इससे पानी के कंटामिनेशन तो हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि मार्केट में बहुत से पानी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, अवेलेबल हैं, जो कि पैकेज वाटर हैं। पैकेज वाटर मतलब उन्हें जो है फिल्ट्रेशन करके जुबिलाइट से पास करके और आरओ प्रोसेस से जो है बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं और BIS सर्टिफाइड फैक्ट्रीज हैं, वो पैकेज वाटर बनाती हैं, वाटर बना रही हैं वो। उसका हमारा BIS नंबर है IS 14543। तो उसे आप लोग जो है बोतल को पहचान लें, ये पैकेज वाटर है, ये कोई इसमें कोई मिनरल तो मिनरल एडेड है, जो नेचुरल मिनरल है वो मिनरल उसमें होते हैं और जो मिनरल वाटर है वो सेकंड क्वालिटी वाटर होता है। वो मिनरल वाटर क्या होता है उसके लिए अलग BIS सर्टिफिकेट है और उसका BIS नंबर है IS 13428। मैं तो सीधे शब्दों में कुछ ना रहा हूं, जब 13 आप पढ़े तो समझ लो मिनरल वाटर है और 14 पढ़े तो पैकेज वाटर है। नंबर तीसरा आजकल जो है नया वाटर एक और मार्केट डेवलप हो गया है वो है एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज से वाटर बनता है जो हमारी स्टीम और उनसे होता है, ये नेचुरल जैसे और बहुत सी ब्रांड बनाती है और ये बहुत कॉस्टली बिकता है। इसमें क्या है नेचुरल सोर्स से हमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं और एक तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, पीएच इसकी हाई होती है। हाई पीएच वो है एथलीट्स के लिए क्या है, एक तो एसिडिटी कम करती है, इनकी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है और एथलीट्स को जो है इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं और आपको बताता हूं कि जो पानी आपको पीना है वो पानी शुद्ध भी हो और उसमें कोई जहां भी जब बोरवेल वाटर हो या टेप वाटर हो उसके सराउंडिंग में कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई फार्म है, फार्म में पेस्टिसाइड ना हुआ चारों तरफ और वहां हमने बोरिंग कर दी
और वहां से पानी लिया तो पेस्टिसाइड के रूप में होंगे, तो वो हार्मफुल केमिकल्स हैं, तो हमें हार्मफुल केमिकल ना पीने मिले। तो ऐसे हमको जो है रिस्क असेसमेंट करनी है, हमें पानी की रिस्क असेसमेंट करनी है तभी पानी पीना पॉसिबल है, और अदरवाइज नहीं तो घर पे जो है आप जो टेप सादा टेप वाटर है, मैं सीरियस टेप वाटर आपको दिखाऊंगा जो बोर वेल के थ्रू आ रहा है, और ये पानी जो है एक्चुअली ड्रिंकेबल नहीं है क्योंकि इसकी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है। ये ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ब्रश करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, गार्डनिंग के लिए, मगर इसको हम डायरेक्ट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो है आर ओ सिस्टम है, ये वाटर हमने आने को जा रहा है और ये इसको क्या कर रहा है, यूवी लाइट से पास कर रहा है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खत्म हो रहे हैं, और उसके बाद ये मेम्ब्रेन है जिसकी ऊपर जो लैप होती है उससे फिल्टर कर रहा है। दोस्तों इससे पानी क्या है, हमें जो है हमारे रिक्वायर्ड टीचर्स का मिलेगा, और सबसे बड़ा फायदा इसमें क्या है कि हमारे ये इको फ्रेंडली है। जो बोटल वाटर हम लेते हैं, बोटल का पानी लेते हैं, वो इको फ्रेंडली, इसमें क्या है प्लास्टिक वेस्ट होता है उसमें, और वो जगह जगह बाहर वेस्टेज होती है, इसलिए ये पानी जो है घर के लिए मेरे हिसाब से घर में अगर पानी प्रॉब्लम है तो आर ओ फिल्टर से पानी लें और उसको पानी का इस्तेमाल करें, या अगर ये नहीं है तो आप जो है समरसेबल पानी जहाँ पानी अच्छा हो वहां का करें। ये मेम्ब्रेन से पास होता है, मेम्ब्रेन क्या करती है, मेम्ब्रेन उसमें से अनवांटेड मॉलिक्यूल्स अनवांटेड केमिकल्स रिमूव कर देता है, और हार्डनेस हमको कम से कम उसमें 150 से 200 के बीच में रहनी चाहिए, अगर इससे कम होगी तो वो पानी हमारे लिए हार्मफुल है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें, या मुझे आपको अप्रिशिएट करना हो तो मैं कमेंट करें। थैंक यू, गुड लक।